राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम 6 नंबर कान्हा जी का चोली बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम धागा लेंगे। यहाँ पर हमने धागा ले लिया है। इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से। यह हमारा एक चेन बन गई है। 2, 3, 4, 5, 6, ये हमें 19 चेन बनानी है। ये हमारी 19 चेन बन गई है। यहाँ पर हम 3 चेन और ले लेंगे। 1, 2, 3। अब हमें चौथी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो 3 चेन हमारी ये हो गई, 1, 2, 3। अब यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। डबल क्रोशिया हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाएंगे। देखो ये 3 हो गए हमारे, 3 का 2 किया, 2 का 1 किया, ये 1 डबल क्रोशिया हो गया। ये 1 डबल क्रोशिया, ये हमारी 3 की चेन। अब ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसको हम साथ में ही काउंट करेंगे। अब हम हर चेन में 1 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हर एक चेन में 1 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये 3 की चेन जो होती है, इसको भी साथ में ही हम काउंट करेंगे। ये हमारी लास्ट चेन रह गई है। तो यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसको देखो काउंट करते हैं। तो 1, ये 3 की चेन हमारी 1 डबल क्रोशिया होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पर फिर से हम 3 की चेन लेंगे। 2, 3, वर्क को टर्न करेंगे। हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। अब हमने तो यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में हम एक बार बनाएंगे। अब यहाँ पर इस रो में हम क्या करते हैं कि हर एक में से 2 2 बार डबल क्रोशिया करते हैं। पर हम इसमें यहाँ पर हमने 2 बार किया, यहाँ पर 1 बार किया, अब यहाँ पर 2 बार करेंगे। हर एक चेन में 2 2 बार नहीं करेंगे हम, एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बार किए, यहाँ पर हम 1 बार करेंगे। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें हमारे सेकंड रो में हमारे 30 डबल क्रोशिया हैं। इसमें 30 डबल क्रोशिया आए हैं हमारे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने 2 से स्टार्ट किया था। यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, फिर 1 बार। तो इस रो को हमने इसी तरह से बनाया है। ये देखिए, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार। और स्टार्ट हमने 2 से किया था, तो हमारा लास्ट 1 पर हुआ है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया आया है, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया आया है। तो यहाँ पर हमारे 30 डबल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ पर थर्ड रो पर हम 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमने 2 बार स्टार्ट किया है, 2 से स्टार्ट किया है फिर से। तो यहाँ पर हम 1 बार बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 1 बार बनाएंगे, फिर से 1 बार बनाएंगे, यहाँ पर 2 बार बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने 2 बार किया डबल क्रोशिया, यहाँ पर 1 बार किया, यहाँ पर 1 बार किया, यहाँ पर 2 बार किया, यहाँ पर 1 बार किया, फिर से 1 बार किया, फिर 2 बार किया। अब हमें क्या करना है कि 2 में 1 1 बार करना है
और थर्ड में जाकर हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इस रो में हमारे 40 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 40। तो ये देखिए लास्ट में हमने यहाँ पर दो बार किया, फिर एक बार किया, फिर एक बार किया, लास्ट में दो बार किया, फिर ये हमारे दो बार हुए हैं, एक बार इसमें, एक बार इसमें। शुरू हमने दो बार से किया था और लास्ट हमारा एक बार पर हुआ है। तो थर्ड चेन में बनाना था हमने, तो ये थर्ड चेन में बनाया, दो बार बनाकर यहाँ पर फिर से थर्ड चेन में आ गया। तो इसी तरह से हम फोर्थ रो करेंगे। तीन चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है अपना इस तरह से। नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। अब हमने थर्ड चेन में बढ़ाया था, अब हम फोर्थ चेन में बढ़ाएंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, तो एक बार हमारा यहाँ पर हो गया, दो यहाँ पर बढ़ाए हमने, एक बार ये डबल क्रोशिया हो गया, एक ये, एक ये। अब ये फोर्थ में हम यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया हो गया, एक बार और हो गया। अब हम हर फोर्थ चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे दो बार, दो बार, तीन और ये चार। तो हम इसमें अपना डबल क्रोशिया करेंगे फोर्थ में यहाँ पर इस तरह से। तो इस रो को भी हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट हमने हर चेन में दो बार से किया है, यहाँ पर दो बार से किया है, लास्ट हमने एक बार किया है। यहाँ पर एक बार बनाया, नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में एक बार। अब यहाँ पर हमारे 50 डबल क्रोशिया हो गए हैं। थर्ड में हमारे 40 थे, अब यहाँ पर हमारे 50 डबल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे। अब हमें यहाँ पर अपना वर्क नहीं करना है, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। ये तीन की चेन हमारी एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। अब हम यहाँ पर 11 चेन स्किप करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, यहाँ पर 12 में हम डबल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारे फ्रंट के हो गए। अब यहाँ पर हमने 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं बैक साइड के। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह,
12, 13, 13। अब यहाँ पर 11 फिर से स्किप करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर हम 12 में डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार किया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये नेक्स्ट लास्ट है हमारा। देखिए इस तरह से आया है लुक। तीन की चेन लेंगे हम यहाँ पर, 1, 2, 3। वर्क को टर्न करेंगे, अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। अब ये हमारे 28 हैं, 28 चेन्स हैं हमारी, तो 28 के ऊपर 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। हम सभी में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस रो को कंप्लीट करते हैं, तो ये रो कंप्लीट हो गई है। फिर से हम तीन की चेन लेंगे और सेम ऐसे ही इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। वर्क को टर्न करेंगे और 28 के ऊपर 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, तो इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर 1, 2, 3 थर्ड चेन में, इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेकर धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी चोली आई है, ये बैक साइड है। इसका बॉर्डर करेंगे अब। इसका बॉर्डर बनाने के लिए हम यहाँ पर से अपना क्रोशियो को डालेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट इसी में सिंगल क्रोशिया कर देंगे एक और, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे दो बार। इसी तरह से करते जाएंगे हम, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से करते जाएंगे, तो ये यहाँ पर लास्ट में आ गए हम। यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, एक और चेन लेंगे, यहाँ पर करेंगे अपने वर्क को इस तरह से। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर फिर से हम दो चेन लेंगे इस तरह से, और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इस तरह से नेक्स्ट में करेंगे यहाँ पर
नेक्स्ट में इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आया ये कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर वर्क करेंगे, तो क्रोशिया को यहाँ पर डालेंगे इस तरह से यहाँ पर। सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हमने ये कंप्लीट कर लिए, इस तरफ की भी कंप्लीट हो गई, इस तरफ की भी कर लिए। मैंने और भी चोली बनाई है तो उसमें क्लियर बताया है कि किस तरह से बनाना है, तो आप वहां से बना लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको चोली? ये इसका बैक साइड है, ये फ्रंट साइज है, ये फ्रंट है। राधे राधे।